Hello friends and welcome to your YouTube channel iTechWord. In today's video, I am going to share some valuable insights on crafting a compelling short essay in just 100 words so you can pass your short essay test on well prestigious essay writing websites, WritersLabs.com and uh, ProWritersTimes. Writing concisely yet effectively is an art and I shall guide you through expert tips to make every word count and valuable so grab a pen and paper to let so and let's embark on this journey of mastering the art of 100 words essay writing don't forget to hit the subscribe button and stay tuned for more writing tips and tricks so let's get started writing a short essay of 100 words requires you to be concise and focused here are some तो इस टाइम भी कम होता है आपने टेन मिनट में ये छोटा सा ऐसे लिखना होता है तो इसके लिए इसको आपको दर्ज पॉइंट मदरद रखना पड़ेंगे सबसे पहले अंडरस्टैंड रीड द क्वेश्चन केयरफुल एन एंड श्योर यू कॉम्प्रीह वट इट्स आस्किंग फॉर सबसे पहले आपने उस प्रॉम्प्ट को अच्छे से रीड आउट करना समझना है कि इस क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है ओके पैनिक नहीं होना आपने कुछ एक दो दस सेकेंड के लिए सोचना है कि इसके अंदर पूछा क्या गया है और उसके बाद आपने जो कुछ अपने आर्कु, आर्क्यूमेंट को और जो मैसेज जो कन्वे करना चाहते हो जो आप राइट डाउन करना चाहते हो उसको लिखने से पहले आपने उन पॉइंट्स को अपने जहन के अंदर कुछ तरतीब लेना है okay ओके जी पहले आपने उसकी प्रॉम्प्ट को और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है उसके बाद प्लान योर पॉइंट्स आइडेंटिफाई मेन आइडिया और आर्गुमेंट यू वांट टू कन्वे एंड पॉइंट्स आर एग्जांपल्स इफ बिफोर राइटिंग क्विकली आउटलाइन द मेन टू कवर ओके जी सेकेंड नंबर पर क्या करना आपने सबसे पहले प्रॉम्प्ट को समझना है उस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है उसके बाद आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो और और उसमें जो कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स जो जरूरी हो और जो एग्जांपल्स और फैक्ट्स हैं और जो लिखना चाहते हो उसको आप ख़ास तरतीब से अपने जहन में उसको थोड़ा सा जहन में रख लें ओके तो नंबर थ्री पे स्टिक टू द टॉपिक ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने डीट्रैक नहीं होना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हुए डीट्रैक uh, हो जाते हैं ओके okay? आपने फोकस्ड रहना है स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड अनसेफ इंफॉर्मेशन एवरी वर्ड काउंट्स इन अ शॉर्ट एसे एलिमिनेट अनसेफ्रे फ्रेजेस एंड अवॉइड रेपिटेशन टू मैक्सिमाइज योर वर्ड यूसेज ओके जी आपने टू द पॉइंट लिखना है और फोकस्ड रहना है आपने अपने डी ट्रैक नहीं होना और ऐसे लिखते हुए किसी लफ्स को या किसी से जुमले को या फ्रेज को रिपीट नहीं करना अपने वर्ड काउंट को पूरा करने के लिए उसको रिपीट नहीं करना रेपिटेशन एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ओके जी तो इसमें जब आप रिपीट करोगे एक तो वर्ड लिमिट्स एक्सीड कर जाओगे क्योंकि ये सिर्फ हंड्रेड वर्ड्स में आपने एक उस प्रॉम्प्ट को फॉलो उसको रिस्पोंड करते हुए एक ऐसे लिखना होता है थोड़े टाइम में तो इसलिए प्रिस आपने उसको लेके चलना है तो नेक्स्ट पॉइंट है जी राइट अ कंसाइज इंट्रोडक्शन कोई भी ऐसे जब लिखते हो फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन होता है देन आप उसकी मेन बॉडी पे आओगे और उसके बाद आपने उसका कंक्लूजन देना होता है तो इसमें एक बड़े एकेडमिक ऐसे की तरह आपने कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना इंट्रोडक्शन इसमें सिर्फ आपने क्या करना है एक या मैक्सिमम दो सेंटेंसेस पर मोहित उसका इंट्रोडक्शन देना है टू दी पॉइंट चलना मैंने पहले आपको बताया राइट अ कंसाइज इंट्रोडक्शन इन अ सेंटेंस आर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड योर मेन आर्गुमेंट ओके आपने सिर्फ एक सेंटेंस या मैक्सिमम दो सेंटेंसेस पर आपने इंट्रोडक्शन देना है okay ओके जी और इससे आगे प्रेजेंट योर पॉइंट्स आपने अपने पॉइंट्स को अपने जो आर्क्यूमेंट्स है उसको बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सिंपल वर्डिंग में प्रेजेंट करना है ओके okay जी उसको आपने कोई कॉम्प्लीकेटड uh, किस्म के सेंटेंसेस को कोशिश करें अवॉइड करें और खास तौर पर रिपीटेशन को रिपीट नहीं करना ओके okay? तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट चलना है यूज क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज टू मेक योर केस प्रोवाइड एविडेंस जहां जरूरी हो आप अपने जो सपोर्टिव आर्क्यूमेंट्स दे सकते हो उस फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए सपोर्ट योर पॉइंट्स विद फैक्ट्स वेयर एप्लीकेबल जरूरी हो आपने उन फैक्ट्स को या एग्जाम्पल जो रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए अपने अपने पॉइंट्स देने हैं ओके जी कीप इट ऑर्गेनाइज राइट इन लॉजिकल ऑर्डर विद अ क्लियर बिगनिंग मिडल एंड एंड बड़ा साफ शफाफ तरीके से आपने उसकी इंट्रोडक्शन बिगनिंग और उसका मिडल यानी बॉडी और उसका एंड यानी उसका आपने कंक्लूजन बड़ा साफ और स्मूथ वर्डिंग में लिखना है ओके okay? उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सेंटेंसेस नहीं हो क्योंकि एक एक, एक, एक के लिए अलग सी टेक्निक होती है एक सिंपल पैराग्राफ की उस फॉर्मेट में आपने लिखना है इसमें ये एकेडमिक ऐसे की तरह बड़े ऐसेज की तरह ये नहीं कि आपने एक इंट्रोडक्शन के लिए एक पैरा लिखा उसके बाद तीन या चार पैराग्राफ आपने मेन बॉडी में लिखे और उसके बाद कंक्लूजन

में एक फ्लो नजर आए ओके okay? स्मूथनेस हो वाच योर वर्ड काउंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके जी आपने वर्ड काउंट को मद्देनजर रखना है आपको चूंकि के 10 मिनट्स में 100 वर्ड्स कैसे लिखना है तो आप इसको 105 या मैक्सिमम 110 तक ले जा सकते हो इससे ऊपर कोशिश करे ना जाए जो जो आप इस वर्ड को एक्ससीड करोगे तो आप एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करोगे जिसकी वजह से तो ऐसे को पास करना इस टेस्ट को थोड़ा मुश्किल हो जाता तो आपने टू पॉइंट लिखना है आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे मैं एक टेम्पलेट भी प्रोवाइड करूंगा कैसे आपने स्टेप बाई स्टेप लेके इसको चलना है और कहां से कैसे शुरू करना है तो ये बात तो आपने मद्देनजर रखनी है कि आपने वर्ड लिमिट्स को एक्सीड नहीं करना हंड्रेड वर्ड्स का ऐसे है तो आप मैक्सिमम एक सौ दस वन टेन तक लिख सकते हो बहरहाल कोशिश करें आप हंड्रेड 105 तक इसको वाइंड अप करें ओके जी कंक्लूड इफेक्टिवली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट समराइज योर मेन पॉइंट्स एंड प्रोवाइड अ कंक्लूडिंग थॉट ओके एडिट एंड रिवाइज बिफोर सबमिटिंग योर पेपर आर शॉर्ट ऐसे यू मस्ट प्रूफ रीड योर ऐसे ओके सो यू कैन अवॉइड योर टाइपो ग्रामर आर पंक्चुएशन प्रूफ रीड फॉर ग्रामर स्पेलिंग एंड क्लैरिटी बिफोर सबमिटिंग आफ्टर राइटिंग Review your essay to ensure it effectively communicates your ideas and stays within the word limit. Okay, ye bahut zaruri baat hai ji aapne essay within given time लिख के उसको proof read करने के लिए कम से कम थोड़ा सा time बचाना है. उसको अच्छे से proof read करें और उसमें grammar और typo अगर mistakes हैं तो उसको आप ठीक करें. Spelling की mistakes, punctuation. और उसमें मजीद देखें कोई अगर कोई गलती हो मिस्टेक हो उसको जल्दी से आप उसको री एडिट करो उसके बाद आप उसको सबमिट कर दोगे तो रिमेंबर शॉर्ट ऐसे सो फोकस ऑन एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज कंसाइसली एंड इफेक्टिवली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एक शॉर्ट ऐसे है आपने इसको इस पर ब्रेविटी या इस पर इक्तफार रिक्वायर्ड होता है आपने मुख्तसर लिखना है टू द पॉइंट लिखना है और इसलिए आपने आइडियाज़ को कंसाइस

आपने इसी को फॉलो करना है याद रहे हंड्रेड uh, वर्ड्स का जो शॉर्ट ऐसे है उसमें सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो मैक्सिमम ट्वेंटी वर्ड्स पर मोहित हो ओके okay जी यू शुड राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ शार्ट ऐसे कम्प्राइसिंग ट्वेंटी द टॉपिक एंड प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू आपने 20 वर्ड्स पे 20 वर्ड्स पर मोहित उसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन देना है उसके बाद जो जब उसकी बॉडी लिखोगे मैं अगेन बता दूं आपने एक बड़े एकेडमिक ऐसे की तरह ना तो इसमें हेडिंग्स देनी है और ना ही इसमें पैराग्राफ्स को अलग अलग लिखने की ज़रूरत चूंकि ये एक सिर्फ हंड्रेड वर्ड का ऐसे एक पैराग्राफ में ही इसको लिख दें सिंपल एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में तो उसी में इंट्रोडक्शन आ जाएगा उसमें बॉडी और उसी में आपका कंक्लूजन आ जाएगा तो इसमें ट्वेंटी वर्ड्स का आपने छोटा सा इंट्रोट देना है जिसमें एक से मैक्सिमम दो सेंटेंसेस हों इससे ऊपर जाओगे तो आप वर्ड लिमिट्स को एक्सीड पैराग्राफ में मैक्सिमम टू पैराग्राफ पैराग्राफ हो कि बड़े बड़े आपने इसमें सपोज आप एक छोटा सा है। लिखना एक ही पैराग्राफ की फॉर्मेट पे है तो उसमें एक या मैक्सिमम दो सेंटेंस हो या तीन इससे ज्यादा नहीं जाना ओके मेन पॉइंट उसमें आपने फर्स्ट पैराग्राफ में मेन पॉइंट्स देने हैं तो आपने उसमें मैक्सिमम थर्टी वर्ड्स का एक छोटा सा पैराग्राफ है जी उसमें आपने एक से लेकर तीन सेंटेंस कोशिश करें एक या मैक्सिमम दो दो सेंटेंस पर आप उसको वाइंड अप करें अगले पैराग्राफ पे चले ये मेन पॉइंट होता है इसमें थर्टी वर्ड्स हो गए ओके जी उसमें क्या होना मेन प्रेजेंट द मेन आइडिया और आर्ग्यूमेंट उसमें आपने अपने मेन आइडिया को और अपने आर्ग्यूमेंट को पेश करना है मैक्सिमम थर्टी वर्ड्स में ओके जी, जी? कोशिश करें एक दो या मैक्सिमम थ्री सेंटेंस इससे ज्यादा नहीं जाना ओके okay जी सेकंड पैराग्राफ में ये तो आपके मेन पॉइंट्स हो गए उसके बाद उसमें 30 का, आपने एक से लेकर मैक्सिमम थ्री सेंटेंसेस होंगे जी कोशिश करें दो सेंटेंसेस पर इसको भी आपके okay याद रहे सपोर्टिंग पॉइंट में ये भी थर्टी वर्ड्स का होगा और एविडेंस ओके okay, इंट्रो intro, आपका इंट्रोडक्शन 20 वर्ड्स का उसके बाद मेन पॉइंट उसमें आपने 30 वर्ड्स पर उसको वाइंड अप करने की कोशिश करनी है और फिर उसके सपोर्टिंग पॉइंट है जिसमें आप उसको अपने फैक्ट्स को और एग्जांपल्स को आप प्रूव करोगे उसमें भी मैक्सिमम 30 वर्ड्स होने चाहिए ओके okay जी अच्छे से इसको देख लें थोड़ा सा मैं यहां स्टे करता हूं ताकि आप इसको वीडियो को पॉज करके ये राइट कर सको ओके okay. इसके बाद लास्ट स्टेज पे क्या होता है कंक्लूजन ये आपकी टेम्पलेट टेंप, है ये इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ नंबर वन जिसमें मेन पॉइंट्स होंगे बॉडी पैराग्राफ नंबर टू सपोर्टिंग पॉइंट्स और कंक्लूजन तो इसमें आपने पैराग्राफ से हमारा ये नहीं कि बड़े बड़े पैराग्राफ हों आपने इसको हंड्रेड वर्ड्स को सिर्फ एक ही पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख सकते हो लेकिन ये सीक्वेंस होगा इंट्रोडक्शन मैक्सिमम टू सेंटेंसेस देन मेन पॉइंट्स कंप्राइसिंग थर्टी वर्ड्स ओके ये भी एक से तीन सेंटेंस हो इससे ज्यादा ना हो और बॉडी पैराग्राफ में supporting points देना होते हैं ये भी maximum 30 words हो और end पे conclusion और पे उसको ये ये कितने का का हो ये भी maximum 20 words का हो भी समराइज द की पॉइंट्स एंड कंक्लूड ओके जी ये आपकी टेम्पलेट है एक हंड्रेड मार्क्स का ऐसे लिखने के लिए इसको याद रहे बहुत ईजी काम है बहुत ही आसान काम है परेशान नहीं होना और मैं आगे एग्जाम्पल देता हूँ इसी टेम्पलेट को मद्देनजर रखते हुए आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ उसकी आउटलाइंस देता हूँ ऐसे कि एक ऐसे उसका टाइटल है जी बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज तो उसी तरह आपने फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन लिखना आपने हेडिंग नहीं देना याद रहे हेडिंग कतन नहीं देनी ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया इसको पॉइंट आउट किया हेडिंग में आप एक दो सेंटेंस लिखोगे रेग देखो डायरेक्ट स्टार्ट किया है उसका टाइटल टॉपिक देखें टाइटल देखें बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज स्टार्ट देखो कैसे किया। रेगुलर एक्सरसाइज ऑफर्स न्यूमरस हेल्थ एडवांटेजेस, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल ओके आगे नेक्स्ट आप टू चलोगे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में जिसमें मेन पॉइंट्स आपने देना होते हैं उसमें क्या लिखा है जी इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी बूस्ट खार्ड

ओके okay, तो इसमें आपने आपने उसको उसको दिया उसके बाद सजेस्ट किया एंड छोटा okay, सा मैंने टेम्पलेट को फॉलो करते हुए ऐसे लिखा है ये उसकी आउटलाइन समझ लें इसमें आप एडिशन कर सकते हो कमी बेची कर सकते हो इनको चेंज कर सकते हो तो आगे मैं एक आपको फुल एग्जाम्पल देता हूँ लिख के ऐसे आपका टाइटल क्या है the importance of reading. तो इस पर देखो एक ऐसे लिखा इसके एग्जैक्ट हंड्रेड वर्ड्स है जी इसको आप कॉपी करके मैं यहाँ पे थोड़ा स्टे कर लेता हूँ आप इसको अच्छे से वॉच करके रीड आप इसको राइट कर सकते हो फिर आप इसको इसको बेशक आप कॉपी पेस्ट करके किसी उसपे वर्ड काउंट में आप चेक कर सकते हो तो, ये 100 हंड्रेड वर्ड्स हैं जी ओके जी आप इसको 105 सौ मैक्सिमम 110 तक वर्ड्स लिख सकते हो लेकिन कोशिश करें आप 100 105 इस सौ वर्ड्स के आसपास ही आप इसको वाइंड अप कर लें ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है इसलिए मैं इसको एक सौ वर्ड्स एक सौ दो एक सौ तीन पे वाइंड अप कर लेता हूँ तो देखें एक कैसे एक पैराग्राफ की फॉर्मेट में एक छोटा सा ऐसे लिखा है मैं आपको अगेन बता दूं आपने एक बड़े एकेडमिक ऐसे की तरह उसको ना तो आपने इसकी सब हेडिंग्स देनी है टाइटल तो देना है ऊपर उसके बाद आपने उसको डायरेक्ट एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख देना है ये मैक्सिमम हंड्रेड वर्ड्स हैं एक छोटा सा पैराग्राफ ही है ओके हाँ इसको इंडेंटेशन उसको इंडेंटेशन इंडेंट कर सकते हो इसको आपको इंडेंटेशन के लिए पता है आप क्या करना है आपको टैब को प्रेस करना है तो आपको ये इंडेंटेशन आ जाएगी ओके जी तो इसको आपने इसी तरह लिखना है बहुत ही सिंपल अंदाज से बहुत ईजी होता है ओके तो इस इसमें देखिए मैक्सिमम हंड्रेड वर्ड्स हैं और जैसे मैंने टेम्परेट आपको दी है प्रोवाइड की है और तरीका जैसे बताया स्टेप बाई स्टेप इंट्रोडक्शन में ट्वेंटी वर्ड्स देन मेन बॉडी पैराग्राफ जो है उसमें मेन पॉइंट्स जो आपने प्रेजेंट किए उसमें मैक्सिमम थर्टी वर्ड्स हों इट मीन्स दो से तीन सेंटेंसेस हों और जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ है जिसमें आपने सपोर्टिंग पॉइंट देना होते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम थर्टी वर्ड्स लिख सकते हो यानी एक से तीन सेंटेंसेस तो देन लास्ट पे कंक्लूजन उसके मैक्सिमम ट्वेंटी वर्ड्स हों तो ये एक टेम्पलेट है इसका फॉर्मेट और फिर उसको आउटलाइंस दे एक छोटा सा ऐसे लिखा अब ये जेनली एक बड़ा एक ऐसे एक लिख के दिखा इसी तरह लिखना पैराग्राफ के फॉर्मेट में ओके याद रहे

बता दूँ वही जनरल रूल जो स्टैंडर्ड कैपिटलाइजेशन का रूल है यानी कोई भी ऐसे का टाइटल हो किसी स्टोरी का नावल का बुक का उसका तरीका एक ही होता है आपने टाइटल के हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है कैपिटलाइज करना है यानी उसको आपने कैपिटल मोड में लिखना है जैसे देखिए यह है जी इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग सवाए प्रापोजिशन को और कंजंक्शंस के अलावा आपने टाइटल के हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है इज दैट क्लियर ओके जी देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग इसका टाइटल है वा का टी कैपिटल है इम्पोर्टेंस का आई कैपिटल मोड में लिखा है और आगे नेक्स्ट वर्ड है जी ऑफ ये प्रापोजिशन है इसको आपने कैपिटलाइज नहीं करना याद रहे इसको लो स्कोर में लिखा है आपने इसको अंडरस्कोर में लिखा है इसको आप यू समझ लें लोअर केस है सॉरी लोअर केस इसको आप यू कह लें इसको स्मॉल लेटर में लिखा है जी कैपिटलाइज नहीं करना और रीडिंग का फर्स्ट लेटर आर कैपिटल है ये स्टैंडर्ड स्टाइल है जी टाइटल देने का हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होगा ओके जी दैट क्लियर और इसको आपने यहाँ लिखना है और कैसे उसको दरमियान में लिखना आपको पता है जी सेंट्रलाइज कैसे करना है वो आपको पता है इसको टाइटल को यहां दोगे उसके बाद आप एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में छोटा सा ऐसे लिखोगे तो कोई भी ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकेगी अल्लाह के बदल से आप ये अपना ऐसे राइटिंग शॉर्ट राइटिंग का स्टेज भी इजिली क्लियर कर लोगे तो देखें टाइटल पर आप फोकस करें द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग सबसे पहले आपने कुछ सेकंड्स के लिए इस पर रुक के सोचना है कि समझना है कि टाइटल है क्या यानी रीडिंग

अच्छे से गौर कर ले इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो चेंज कर सकते हो ओके रीडिंग हैज सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन आवर पर्सनल लाइफ टू अटेन नॉलेज ओके इसको किसी भी तरह लिख सकते हो आप इसको चेंज करके जैसे मर्जी लिख लो ओके okay.

तीसरा बाय रीडिंग वी इन्हेंस आवर वैबरी एंड कम्यनिकेशन स्किल्स ओके जी और आगे है जी मोर ओवर इट इम्प्रूवस आवर अबिलिटी टू फिंक क्रिटिकली या आप उसको प्रूव कर रहे हो उसको आप जो स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो बाई इट इम्प्रूवस आवर अबिलिटी टू फिंक क्रिटिकली एंड एनालाइज सिचुएशन वेदर इट इज़ फिक्शन इट्स फिक्शन और नॉन फिक्शन रीडिंग पोस्टर्स क्रिएटिविटी एंड एम्पसी

in a world dominated by digital distractions a cultivating a reading habit is more essential than ever second sentence to usko aap phir aap suggest karte ho end pe embrace the power of books to broaden your horizons and enrich your life okay देखो आपने अपने कंक्लूजन को कितने खूबसूरत अंदाज से सिर्फ टू सेंटेंस में वाइंड अप कर दिया है तो कुल मिला के ये आठ से मैक्सिमम दस सेंटेंसेस होंगे तो आपका हंड्रेड वर्ड्स पूरे हो गए इसमें एक ऐसे की जो सही ये सेंस होती है जो उसका ऐसे लिखने का एक स्टाइल है उसी को फॉलो करते हुए टेम्पलेट को आपने एक बहुत खूबसूरत छोटा सा ऐसे लिख लिया ओके जी इसी को यहाँ मैं थोड़ा सा स्टे करता हूँ आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लें फिर बार बार इसको चेक करें लिखने का स्टाइल यही एक स्टाइल है नेचुरल स्टाइल है तो रिमेंबर इन सच ऐसे यू मस्ट फोकस ऑन क्योर मैसेज एंड एक्सप्रेस इट क्लियरली एंड कंसाइसली प्रैक्टिस एंड एनश्योर सक्सेस इन हंड्रेड वर्ल्ड याद रहे एक शॉर्ट ऐसे में आपको फोकस करना चाहिए मेन मैसेज पे और फिर उसको बड़े साफ और कंसाइसली आपने क्लियर अंदाज में और इख्तिफार के साथ आपने उसको पेश करना है तो इसकी बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें बहुत ही ईजी काम है ओके जी अगेन इस पैराग्राफ को देख लें और टेम्पलेट पे आए इसी अंदाज से आपने जो क्लासिफिकेशन की है हंड्रेड वर्ड्स का जो ऐसे उसमें ट्वेंटी मार्क ट्वेंटी वर्ड्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए और बॉडी पैराग्राफ वन जिसपे मेन पॉइंट्स आपने देने हैं थर्टी वर्ड्स हो मैक्सिमम एक से तीन सेंटेंसेस हों छोटे छोटे और सेकंड जो बॉडी पैराग्राफ है आपने सपोर्टिंग पॉइंट्स देना होते हैं वो मैक्सिमम थर्टी के uh, three, uh, okay जी? आपने अपने एग्जाम्पल्स या, और फैक्ट्स को प्रूव करना होता है ओके okay जी आखिर पे कंक्लूजन ट्वेंटी मार्क्स का ये टेम्पलेट को अच्छे से कर ले जी और इसी टेम्पलेट को फॉलो करके मैंने पहले ये एक छोटा सा ऐसे लिखा आउटलाइंस प्रोवाइड की आपको अब आप एक नेचुरल स्टाइल से आप ऐसे लिख के या इसी को फॉलो करना है देखिए कितना खूबसूरत ऐसे है ओके जी कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग यूज़ नहीं की यही स्टाइल है जी तो ओके तो कोशिश करें इसकी बार बार प्रैक्टिस करें अपना कॉम्प्रीहेंशन और कॉम्पोजिशन स्किल को डेवलप करें आप इंशाल्लाह इजीली टेस्ट क्लियर कर लोगे अनलकली अनलकली इफ़ यू आर अनएबल टू पास योर टेस्ट राइटिंग योर ऐसे इन योर ओन वर्डिंग एंड इफ़ यू आर अनएबल टू कम्पोज योर सिंपल ऐसे इन योर ओन वर्डिंग यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जी पी टी एज वेल ओके सम स्टूडेंट्स माइड बी थिंकिंग टू टेक हेल्प फ्राम एनी हेल्प ऑफ एनी ए आई टूल्स स्पेशली चैट जी पी टी तो उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए मैंने एक आप लोगों की बार बार इंसिस्ट करने पे मैंने ऐसे मेरे बहन और भाई तो पहले तो मैं आपको यही इंस्पायर करूँगा मोटिवेट करूँगा कि आप इसकी बाकायदा ट्रेनिंग लें आप कंपोजिशन स्किल डेवलप करें ग्रामर सीखें बहुत ईजी काम है आप लाइफ टाइम अर्निंग करोगे इनशाला तो लकीली आप कहते हो फॉर द टाइम बींग हम अकाउंट क्रिएट करना है तो चलो जी साथ अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए तो हम जैसे तैसे ए टूल्स को यूज़ करके भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ लेकिन अलहमदिल्ला मैं ऐसे खुद लिख सकता हूँ चूँकि मैं गुजशत ट्वेंटी ईयर्स से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ सिखा रहा हूँ बच्चों को और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मैंने सर्व किया है अब एज ए राइटर काम कर रहा करो चार सालों से तो मेरी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है अल्लाह के फजल से आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी बहरहाल अगर आप चाहते हो कि फ़ौरी फ़ौरी आप ऐसे राइट करना अकाउंट क्रिएट करना तो उसके लिए आप कोई ए टूल्स को यूज करना चाहते हो उसके लिए भी मैं आपकी रहनमई कर देता हूँ उसको आप कैसे करोगे गिव दिस कमांड टू चैट चैट आपने को ये कमांड देनी है मैं इसको यहाँ पे स्टे करके आपको पूरे का पूरा समझा देता हूँ फिक्र बात करें आ, इसको मैं थोड़ा सा मिनिम साइज छोटा कर देता हूँ ताकि ये एक ही नजर में आपको नजर आ जाए यहाँ पे चलो जी मैं ये एक कमांड गिव दिस कमांड टू चैट जीपीटी चैट जीपीटी को कोई भी आपने प्रॉम्प्ट देनी है तो आपने कोई उसको कमांड दे रहे हो उसको ऐसे लिखवाने के लिए कोई पैराग्राफ लिखवाने के लिए ख़ास तौर पे ये ऐसे के लिए मैंने आपके लिए एक आ, ये लिखा जो कमांड आपने चैट जीपीटी को देनी है ओके सेम टू सेम लिखना है इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी अपनी तरफ से कोई उसमें चेंज नहीं करना ओके राइट दिस सिंपल प्रॉम्प्ट एज इट इज ओके जैसे दिया गया वैसे के वैसे लिखें यूजली एन एकडमिकॉलोजर्ड स्ट्रक्चर ये आप चैट जी पी टी को कमांड दे रहे हो आप उसको बता भी रहे हो एकडेमिक्टचर को फॉलो करता है आमतौर पर इसी तरह कॉलम डालोगे वो स्ट्रक्चर क्या है यानी कि उसमें एन इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूशन या आप कमांड किस को दे रहे हो चैट जी पी टी को ओके उसको बताओगे कि हमने

ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है इंट्रोड्यूस करना उसके टॉपिक को और उसके मैसेज जो मेन है उसको रिवील करना होता है यानी कि मेन मैसेज वही आपका स्टेटमेंट होता है ये इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के लास्ट पे होता है द बॉडी पैराग्राफ्स में क्या होता है बॉडी पैराग्राफ्स प्राइमरी टास्क आर टू डिफेंड विद सब आर्क्यूमेंट्स ये आपने बॉडी पैराग्राफ में और आखिर में यानी लास्टली

academic and human like on ये आपने ऐसे देना है इनवर्टेड कॉमास में ये ब्लैंक छोड़ा है इसमें वो टॉपिक लिखोगे जोन सा भी है जैसे ये है इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग या कोई भी जो आपको टॉपिक दिया गया हो यहाँ लिखना है प्लीज यूज सिंपल एंड कॉमन एकेडमिक वर्ड्स ओके इसी स्टाइल से आपने कमांड देनी है चैट जीपीटी को ओके okay जी तो आप उसको बता रहे हो भी हमें चाहिए एक 100 वर्ड्स कैसे इन तमाम जो ऊपर आपने बताया है जो स्टैंडर्ड स्टाइल ऐसे राइटिंग का है उसको मद्देनज़र रखते हुए कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन व्यू इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑफ हंड्रेड वर्ड्स आप उसे कमांड दे रहे हो कि भाई मेरे लिए हंड्रेड वर्ड्स कैसे लिखो जिसमें हाई डिग्री ऑफ परस ये टू वर्ड्स का आपने इसमें लाजमी एडिशन करना इसमें चेंज नहीं करना अगर आप सेम टू सेम कमांड दोगे तो इन जो आपको ऐसे मिलेगा वो हंड्रेड परसेंट ह्यूमन जनरेटेड उसका रिजल्ट आएगा जी आप किसी भी उसको आप उसको चेक करो करोगे सॉफ्टवेयर में ए आई डिटेक्शन में या सॉफ्टवेयर में उसको उसका रिजल्ट चेक करोगे हंड्रेड परसेंट ह्यूमन जनरेटेड का रिजल्ट देगा हालांकि आपने एक वर्ड भी नहीं लिखा होगा ओके okay? मैं अगेन कह रहा हूँ सबसे बेस्ट तो यही है तरीका आप इसको अच्छे से सीखो आप कंपोजिशन स्किल डेवलप करो अपनी वर्डिंग में लिखो लंबे चौड़े झंझट में पढ़ना ही ना पड़े तो उसकी ग्रामर ठीक करो तो उसको भेजो तो आप हंड्रेड परसेंट से पास करोगे और आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी वेबसाइट पे आप अपनी मर्जी की जितने मर्जी डॉलर्स अर्न कर सकते हैं लेकिन अगर अनलकीली मेरे कुछ भाइयों की अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए ये मैंने एक उनको यूँ समझ लें अलादीन का चराग दे दिया ओके आपकी फरमाइश पे मैं इसको यहाँ पे स्टे करता हूँ ताकि आप पूरी तरह उसको फोकस करके उसको वीडियो को पॉज करके राइट कर लो लो जी यहां से शुरू करना आपने यूजली से ओके जी यूजली से स्टार्ट करना है और यहां से यूजली से स्टार्ट करके यहां तक आपने मैं वीडियो को यहां पे थोड़ा सा स्टॉप करता हूं स्टे कर रहा हूं यहां पे मैं रुक रहा हूँ थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट कर ओके जी यूजली से लेके इसी तरह आपने जैसे मैंने लिखा इस तरह कॉलन डाल के वो जो इन, आपने उसको बता रहे हो कि इंट्रोडक्शन होता है बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन सेम सेम टू आपने एक प्रॉम्प्ट तैयार कर लेनी है और इसमें आपने जो भी सा भी हो को तो यहां लिखना है और याद रहे अगर आप शॉर्ट ऐसे लिखते हो हंड्रेड वर्ड्स का तो हंड्रेड वर्ड की कमांड दे दें आप इसी को फॉलो करते हुए यही आपकी प्रॉम्प्ट होगी यही कुछ होगा आप यहाँ 500 वर्ड्स चाहिए तो 500 कर दो बड़े ऐसे के लिए थ्री हंड्रेड वर्ड्स है तो थ्री हंड्रेड जो यहाँ कमांड दोगे वो इसको फॉलो करते हुए चैट विद इन थर्टी सेकेंड एक बेहतरीन ऐसे तैयार कर देगी आपके लिए आप जब उसको किसी भी सॉफ्टवेयर में डिटेक्शन चेक करोगे तो इनशाला हंड्रेड परसेंट ह्यूमन जनरेटेड का रिजल्ट देगा ऐसे लगेगा कि किसी इंसान ने इसको प्रॉपरली लिखा है फिर भी अगर इस इसमें फिर भी कुछ फ्लॉज रह जाए आपको हंड्रेड परसेंट ह्यूमन जनरेटेड का रिजल्ट ना मिले तो उसका मैं तरीका आगे जाके आपको बताता हूँ चेक कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कोई पेड वर्जन खरीदने की जरूरत नहीं है आपको तीन सॉफ्टवेयर बताऊंगा तीन ऐसे टूल्स जिनको आप कंजेक्टिवली मैं ये बताऊंगा फर्स्ट पे किस पे चेक करना है देन सेकंड किस पे चेक करना है और आखिर में थर्ड किस पे चेक करना है जब तीनों के तीनों ए आई डिटेक्शन टूल से आपका हंड्रेड परसेंट ह्यूमन जनरेटेड का रिजल्ट मिल जाए आप बिना खौफ खतर कुछ सोचे बगैर आप उसको आगे सबमिट कर दें तो आप इन शह टेस्ट भी क्लियर होगा फ्यूचर में आप जितना मर्जी काम करो क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा दुनिया के जिस मर्जी सॉफ्टवेयर में चेक करें आपका वो ए आई डिटेक्शन बिल्कुल पास होगा ओके जी तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इनशाला आपको समझाऊंगा वो टूल्स कौन से हैं और कैसे किस तरतीब से आपने उसमें आपने उसको चेक करना है ओके जब तक हंड्रेड परसेंट का रिजल्ट ना मिले आप उसको आगे सबमिट ना करें तो वैसे भी आप मैंने ट्राई किया बार बार बच्चों के अकाउंट्स बना के वैसे भी एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने आप सिर्फ ये प्रॉम्प्ट ये कमांड दोगे चैट जीपीटी को इसी कमांड को मद्देनजर रखते हुए आप उसको जो भी टाइटल दोगे यहाँ पे ऐसे का वो इनशाला हंड्रेड परसेंट ह्यूमन जनरेटेड कंसिडर होगा आप बेश चेक कर लीजिएगा मुझे उम्मीद है आप इसको इससे लिखवा फिर भी लिखवाड परसेंट रिजल्ट ना मिले तो फिर क्या करना है यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके ये इसको आप राइट कर सकते हो आगे चलते हैं अगर अनलि आपको हंड्रेड परसेंट वो ह्यूमन जनरेटेड का रिजल्ट ना अभी मिले उसमें कुछ अभी कमी कोताही रह जाए तो फिर आपने ये देनी है उसको जी प्रॉम्प्ट ओके ये उसको कमांड देनी है जी

आपने कमांड दी थी कि कीपिंग ऑल दीज पॉइंट इन व्यू राइट अ शॉर्ट ऐसे ओके अब यहाँ री राइट का आप कमांड दे रहे हो लिखवाया चैट जीपीटी से है उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दोगे उसके स्टार्ट में ये लिख लोगे प्लीज यहाँ से लेके यहाँ तक आगे इनवर्टेड कॉमर्स में वो लिखोगे जो आपने ऐसे या पैराग्राफ चैट जीपीटी से ये कमा ये कमांड दे के लिखवाया है उसको आप यहां फिर दोबारा पेस्ट करोगे जब एंटर करोगे तो चैट जीपीटी दोबारा से एक एक न्यू ऐसे लिख देगा अगर आप सिर्फ पैराग्राफ ले रहे हो तो पैराग्राफ लिखें यहाँ पे अगर आप ऐसे हो तो लिखें प्लीज री राइट दिस ऐसे ओके ये तो एक बच्चा भी समझ लेगा तो उस ऐसे को या पैराग्राफ को या दुनिया का को कोई भी चीज है आपने लिखवाई है चैट जी से तरीका यही होगा ये मैंने आपको एक अलादीन का चिराग दे दिया तो आप क्या करोगे आप ये कमांड दोगे आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में चैट जी से आपने जो पहले लिखवाया हुआ है ये पहली ये वाली कमांड दे के अगर ऐसे लिखवाया हुआ है अगर आपने उसको टेस्ट किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कमांड दोगे अगर इस कमांड को फॉलो करते हुए चैट जी ने जो ऐसे लिखा है यहाँ तक अगर समझें उसका जो रिस्पॉन्स है उसका जनरेटेड जो ऐसे आर्टिकल होगा या कोई भी पैराग्राफ होगा अगर आप उसको ए आई डिटेक्शन टूल में या सॉफ्टवेयर में चेक करोगे रिजल्ट अगर 100 परसेंट ह्यूमन जनरेटेड वो कंसीडर नहीं होता जब तक आप उसको क्या करोगे आप एक तरीका होता है कोई भी पैराफ्रेजर जैसे टूल है क्विल बोट है और या उसकी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप सिंपली उसको रीजाइट करवा लें ओके जी ये कमांड देके तो इन शाह हंड्रेड आपका वो एक ह्यूमन जनरेटेड एक आपका ऐसे यहाँ पे तैयार हो जाएगा उसका एंड पे क्या करना आपने ग्रामरली की हेल्प लेके आप पेड वर्जन अभी खरीदने की जरूरत नहीं जब अर्निंग स्टार्ट कर लो फिर आप ग्रामरली ले, ले लेना पेड वर्जन उसके अलावा मैं एक दो ग्रामर चेक करने के और ऑथेंटिक टूल्स बताऊंगा आप आंखें मंद करके ग्रामरली आराम से तकिया लगा के बैठ जाओ उसमें आप उसको अपने ऐसे को कोई भी आर्टिकल हो उसको 100 परसेंट उसकी ग्रामर सेट कर सकते हो ओके okay जी तो फिलहाल आप ग्रामर ली का इस्तेमाल कर सकते हो उसमें आप उसकी ग्रामर मिस्टेक कोई अगर कोई पंक्चुएशन की मार्क्स है उसको रिमूव करके आप जो ऐसे होगा 100 100 वर्ड्स का उसको आप सबमिट कर दीजिए इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा उसमें आपने करना क्या है सिंपली बेस्ट वे तो है खुद लिखे मैं अगेन कह रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको खुद जनरेट करो फिर पाँच से सात मिनट लगेंगे दस से बारह सेंटेंस टोटल लिखने बहुत ही सादा सादा अंदाज में वो लिखोगे तो यकीन जानिए अल्लाह पे भरोसा करके वो लिखे इन शाह हंड्रेड परसेंट एकोरेसी से आप लिख लोगे बाद में फ़ौरी फौरी उसकी ग्रामर चेक करें क्योंकि उसकी तो आपको ए आई डिडेक्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं पेश रानी क्योंकि आपने खुद लिखा होगा ग्रामर चेक करें ग्रामर करेक्ट करें पाँच से छः मिनट में आप कर लोगे एक आध मिनट मेरी उसको आप प्रूफ रीड करो और आठ मिनट के अंदर अंदर आप उसको सबमिट कर सकते हो मैं तो ऐसे ही करता हूँ अगर अनलकीली आप नहीं कर सकते आप चाहते हो मैंने चैट जी की हेल्प लेनी है फिर कुछ भी ना करो सोचो भी नहीं आप टाइटल को कॉपी करो ये कमांड लिख के रख लो कहीं वर्ड फार्मेट में इस कमांड को कॉपी करो ऐसे कॉपी करके आप चैट जीपीटी में उसके ब्राउजर में रखो और यहाँ जो ब्लैंक है स्पेस यहाँ इन्वर्टर कॉमर्स में अपना टाइटल पेस्ट कर दो ओके आप उसका टाइटल दे दो यहाँ पे तो जो ही आप उसका टाइटल दोगे आप एंटर करोगे तो थर्टी सेकेंड में चैट जीपीटी ने आपको एक हंड्रेड वर्ड्स का ऐसे लिख के दे देना है उसको आराम से उठाओ उसको एआई टूल्स में चेक करो कि आया कि हंड्रेड परसेंट ह्यूमन जनरेटेड का रिजल्ट आ रहा है उसके ए आई डिटेक्शन पास हो गई है तो वेल एंड गुड अगर नहीं हुई तो फौरी उसको यी कमांड दे के दोबारा लिखवा लो दूसरी अटैम्प्ट में हंड्रेड परसेंट बल्कि टू हंड्रेड परसेंट आपको उसको ए आई डिटेक्शन पास करवा देगा तो उसको आप फौरी कॉपी करो ग्रामरली में रखो पेस्ट करो और उसकी ग्रामर ठीक ठीक करो इट विल टेक मैक्सिमम फाइव मिनट्स सारे प्रोसीजर में आपको फाइव मिनट्स लगेंगे आपका टाइम होगा टेन मिनट्स आप सिर्फ फाइव मिनट्स में सारा कुछ प्रिपेयर करके लेकिन फौरी सबमिट नहीं करना उनको लगे कि इसने खुद मेहनत की है आप उसको कॉपी करो फिर पेस्ट कर दो और फिर देखो जब तकरीबन आठ मिनट हो जाए तो आप सबमिट कर दो इन आप ये टेस्ट आसानी से क्लियर कर लोगे ओके जी तो मैं आपको ज़रा दिखाता था उन्होंने ये एक हम अकाउंट क्रिएट कर रहे थे किसी दोस्त का ये देखो आपकी मोटिवेशन के लिए देखो ये मैं हेल्प की बच्चों की उन्होंने खुद ही किया इंग्लिश टेस्ट मैंने पास कर दिया हो गया शॉर्ट ऐसे देखो टिक लग गया ना और साइटेशन स्टाइल में बताया बहुत मुश्किल है लेकिन इसकी मैंने वीडियो क्रिएट की है उसको मैंने मुख्तलि ऑथेंटिक सोर्स से उसके 18 के 18 जो एम सी क्यूज है उसको सॉल्व किया है मैं अगेन बता दूं उसकी तरतीब डिफरेंट हो सकती है क्वेश्चंस वही होंगे इन ये आप सिर्फ तीन मिनट में पास कर लोगे क्योंकि आपको इसकी आंसर कीज मिल जाएंगी ओके okay जी आपके लिए पहला ये स्टेज ये अलहमदिल्ला हमने सात आठ लाइव सेशंस कंडक्ट किए हैं जिसको हेल्प करके मुझे बी सी स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बताया कि उनका टेस्ट क्लियर हो गया माशाल्लाह और एक दो तीन बच्चों ने तो ये माशाल्लाह शायद ऐसे टेस्ट भी क्लियर कर लिया ये सैटेशन उनकी हेल्प में कर दूंगा बता दिया है ये तो सारे बच्चे अपना पास कर सकते हैं और आखिर में होगा प्रोफेशनल ऐसे राइटिंग उसका स्टाइल भी सेम टू सेम है वही कमांड देनी चाहिए को। आप कोशिश करें खुद लिखिए सात दिन का टाइम है इसमें तो आप समझते हो कैसे करना और कहाँ से करवाना ओके okay जी तो ये देखो ये भी डन सेकेंड भी डन और थर्ड स्टेज भी डन और ये आखिरी चल रही है तो इन प्रोग्रेस है यानी इस पर बच्चा वो ऐसे लिखा जा रहा है लिख रहा है तो मैं कल उसका ऐसे सबमिट करवा दूंगा इनशाला परसों की वीडियो में आपको दिखाएंगे उसका अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा क्लियर तो इसी तरह आप भी अपना अकाउंट क्लियर करोगे बिल्कुल। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी आप इसी तरह आप आ, इस तरह इसको पॉज करके वीडियो को ये आप ऐसे का सैंपल जो मैंने क्रिएट किया राइट किया ये आप इसको नोट कर लें और सबसे बढ़ के जो ये आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड की और तरीका बताया कि ये शॉट ऐसे उसकी फार्मेटिंग कैसे होती है उसको आपने कैसे क्लासीफाई करना इंट्रोडक्शन कितने नंबर का और ये सारी चीज़ें और कितने सेंटेंस रिक्वायर्ड हैं तो मैं दोबारा बता दूं अगर आप खुद लिखें तो सबसे इजी काम है अल्लाह पे भरोसा रखें इन आप कामयाब हो जाओगे लेकिन अगर फिर भी अगर कोई ख़दशात हैं कि आपकी इतनी तैयारी नहीं है कोई बात नहीं Uh, हम लाइव सेशन कंडक्ट करके इसकी प्रेपरेशन करवा रहे हैं आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो टू मंथ्स की ट्रेनिंग है इन आफ्टर गेटिंग टू मंथ्स ट्रेनिंग एवरी ऑफ आवर स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट एवरी लेवल ऑफ एस ऑन एनी वेबसाइट एंड ही कैन स्टार्ट अर्निंग मनी ओके तो अभी के लिए फिलहाल चलो आप समझते हो कि हमें फ़ौरी पैसे कमाना है तो आपको जनाबे वाला ये मैंने दे दिया है अला का चिराग क्लियर यहाँ से लेके वहां तक कमांड आपने इसको कॉपी इसको लिख लें फिर आप वर्ड फॉर्मेट में टाइप कर लें ये कमांड देके चैट जी पी से यहाँ टाइटल लिखे और अगर वो हंड्रेड परसेंट ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट का रिजल्ट नहीं आता फिर उसको रीराइट करवा लें ये कमांड दैट क्लियर ओके मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में यू ऑल बेस्ट